अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या रहमतल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वअला आलिही सुहाबी व अज़वाजी अजमाईन अम्मा बादु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कालल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आती कभी कबल अयर तदाई का तरफुक सदक मौलानल्लाजीम व सदक रसूलुन्नबीयुल करीमुल्लामीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा उलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेरे साया हर वली इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बावाज़े बुलंद रूशी पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल वाला आलिका व सुहाबिका या खातमन नबी। बरादरान इस्लाम अल्लाह ताला दी हमदो सना सिफत व सना तो बाद हजूर नबी करीम रौफ रहीम ताईदार अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम आप दी बारगाहे आलिया दे विच हदियतन अकीदतन मुहब्बतन दरूद शरीफ पेश करने तो बाद अल्लाह ताला दा करोड़ा मरतबा शुक्र कि उसने साड़ी जिंदगी दे अंदर सानू जुमातुल मुबारक दी अजीम घड़ी सानू अनायत फरमाई
दुआ करना अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमाना दा नमाज़े जुमा अदा करना कबूल व मंजूर फरमाए। बरादरान इस्लाम, पिछले जुमे भी मैं सालहीन का जिक्र किया है और अज भी इंशाअल्लाह सालहीन का जिक्र खैर होएगा। अगला ताला हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए, सब नू मिल के उस उत्ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत तकरीर शुरू है, तवज्जो फरमाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने और आपने हुकूमत भी की थी है, जिन्ना ते इंसाना ते परिंदिया ते कीड़िया ते जानवरा ते जितनी भी मखलूक है तमाम मखलूकात के उत्ते हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हकूमत की थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम रोज़ाना कचहरी लांदे सन, की करदे सन, कचहरी लांदे सन ताकि राया अपनी आ के मुश्किलां दसे, परेशानियां दसे, उन्हें अपना डेरा लगाना रोज़ाना, लोगों ने आना, जानवरों ने आना, जिन्हों जो तकलीफ होनी उन्हें आके हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नूं आके अर्ज़ करनी, जी हाँ परेशानी है। जिवें हुण भी डी एस पी साहब या एस एच ओ साहब किसी इलाके के अंदर आके खुली कचहरी ला देंदे ने तो लोगों आते हैं, भाई दसो किसी को कोई परेशानी है, कोई मसला है तो बयान करो, वो सुनते। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इस तरह हर रोज़ कचहरी लाते सन और तमाम दे मुश्किलात सुनते सन। मैं मौजू तो मेरा नहीं पर थोड़ी टच कर जाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन भी आते सन, इंसान भी आते सन, जानवर भी आते सन। हुण जानवर इंसाना की बोली भी अलग अलग है, असी भी इंसान हाँ, असी पंजाबी बोलने हाँ, जेड़े इंसान पिशावर के अंदर ने वह पछतो बोलते हैं तो वह भी इंसान ही, असी इंसान असी पंजाबी बोलने हाँ, जेड़े हिंदुस्तान के अंदर ने वह हिंदी बोलते हैं, असी इंसान असी पंजाबी बोलने हाँ, जेड़े अमेरिका के अंदर ने वो इंग्लिश बोलते हैं, इंसान ही लेकिन बोलियां जुबाना अलग अलग ने। अजकल कोई बंदा ये कह सकता है जी डी एस पी साहब पंजाबी भी जानते हैं तो इंग्लिश भी जानते हैं, वो पढ़े लिखे इंग्लिश से भी उन्होंने अबूर हासिल है, इंग्लिश जुबान वो बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कोई बंदा कह सकता जी वो उन्हां दा के पी के च सरहद आउण जाण है, सूबा सरहद वो पछतो भी जानते हैं, कह सकते हैं। तो जानवरां दियां बोलियां अलग अलग ने, कवे की बोली वेख लो परिंदे चों, कबूतर की बोली वेख लो, खुमरे की घूगी की बोली वेख लो, जानवरां च वेख्या जाए तो गां की बोली वेख लो, बकरी की बोली वेख लो, ऊंठ की बोली वेख लो। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो सारे आते सन कचहरी लाते सन तो सारे आके मसले दसते सन तो मसले तो इसका भी समझ लग गई ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम तो ऊंठा दियां बोलियां जानते हैं, मसला सुनते सन ना। हुण ऊंठ ने आके कोई इंसान की जुबान रगी तो गल नहीं ना करनी, ऊंठ ने आके तो अपनी जुबान च गल करनी है ना, गधे ने आके अपनी जुबान च गल करनी है ना, किसी चिड़िया ने आके तोते की जुबान ही तो गल नहीं करनी,
या तोते ने आके कबूतर की जुबान ही गल नहीं करनी, तोते ने तोते की जुबान ही गल करनी है, कबूतर ने कबूतर की जुबान ही गल करनी है, चिड़िया ने चिड़िया की जुबान गल करनी है, हुद हुद ने हुद हुद की जुबान गल करनी है, कीड़ी ने कीड़ी की जुबान गल करनी है। अल मुख्तसर जो समझाना चाहना, सुलेमान अलैहि सलाम वह अल्लाह के नबी ने जेड़े पूरी रोह जमीन से इंसाना दिया भी बोलियां जानते हैं, परिंदियां दिया बोलियां जानते हैं, जानवरों दिया बोलियां जानते हैं, कीड़ियां दिया बोलियां जानते हैं, तमाम चीज़ां दिया तमाम जानवर परिंदे दरिंदे जानवर इंसान जिन परी भूत तमाम दिया जुबाना हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जानते ने। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम मस्जिद अक्सा है हाथ पिछे बन के खलोते हुए सन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मैं मिराज दी मस्जिद अक्सा च गया एक लख ते कई हजार कमो पेश नबी हाथ पिछे बन के खलोते सन, इमामत अला मुसल्ला खाली सी। जबरील ने अर्ज की थी, आका इमामत वास्ते अल्लाह ने आज दोनों चुन लिया है। अल्लाह उच्च बोलो समझ लगी। जिन आके अपनी बोली च बोलते इतने मौलवियों भी बदअजमी हो गई, मौलवी आते ना सी तो नबी इको जे हाँ, नबी तो साढ़े च फर्क ही कोई नहीं, उन्हें बेईमाना कौन दसे, तू तो इंसान की बोली नहीं समझ सकता। ऐसी ऐसी दुनिया के लैंगुएज ने ऐसी ऐसी जुबाना ने, कोई मौलवी सुनेगा तो वह गैड की उन्होंने जरूरत पै जाएगी, उन्होंने गैड का सहारा लेना पवेगा, उन्होंने डिशकनरी का सहारा लेना पवेगा, उन्होंने किसी मुतरजम का सहारा लेना पवेगा। लेकिन अल्लाह के नबी वो ने जेड़े आते ने जिस हाल च भी गल करते हैं अल्लाह के नबी उन्होंने गल न सुन लेंगे ने तो समझ लेंगे ने। मैं बड़ी वड्डी दलील देन लगा और दलील भी कुरान दे विच्चों देन लगा, ये गल्लां याद रखने वाली। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जाते सन पे तख्त, आप दा एक तख्त सी सुलेमान अलैहि सलाम दा, अल्लाह दे नबी सन, हवा भी आप दे ताबे सी, हवा आप दे ताबे सी, आप तख्त जिथे आपने जाना हुंदा सी ना, अजकल तो गड्डिया ने ना गड्डिया, किसी को टू डी, किसी को लैंड क्लोजर, किसी को वीगो डाला, किसी को जनाब कोई गड्डी, किसी को बस, किसी को ट्योटा, किसी को कैरी डब्बा, तो वह सुलेमान अलैहि सलाम का जोड़ा वक्त सी दौर सी उस वक्त कोई गड्डिया ही नहीं सन, तो आपू अल्लाह तला ने एक कमाल दिता सी, आप तखत बहते सन तखत, तो तखत न हुक्म करते सन तो तखत उड़ना शुरू हो जाता सी, तखत उड़ना शुरू हो जाता सी, जिथे आपने जाना हुंदा सी उस जगह पर पहुँच के तखत तखत नूं कहिंदे सन थले उतर जा, तखत थले उतर जाता सी। आप तखत दे उत्ते बादशाह ने सुलेमान अलैहि सलाम, बादशाह फिर किस तरह बहिंदे ने वो तुहानूं पता ही है, आप तखत दे उत्ते किस रोब और जल जले और जमाल दे नाल आप तखत दे उत्ते तख्त नशीन होए बैठे, आपने तखत नूं हुक्म दिता उड, तखत उड़ना शुरू हो गया, नाल आपकी फौज घोड़े ते ऊंट उनके उत्ते हजरत सुलेमान अलैहि सलाम की फौज है, वह नाल नाल ये तखत उड़ रहा है और फौज नाल नाल तुरन लग पई है, चलन लग पई है, चलदियाँ चलदियाँ अगे एक ऐसी जगह आ गई है जिथे कीड़ी कीड़िया ने की ने कीड़िया ही कीड़िया ने, आ कदी ऐसी जगह पर जाओ ना जिथे बिल होवे कीड़िया की, तो उतो कीड़े कोई वड़ रहे हो तो कोई निकल रहे हो तो मार लगे हों कीड़िया का जी, इको जे कीड़े जी तो अमार लगे कीड़िया का, तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम जो तो जा रहे सन नाल फौज सी घोड़िया ते, तो कई मील दूर उन्हां कीड़िया दे विच्चों एक कीड़ी ने अख चुक के वेखिया कि अल्लाह दे नबी आउंदे ने पे नाल फौज घोड़िया ते ऊंठा ते, ते ओ कीड़ी अपनियां सारियां सहेलियां ते रिश्तेदारां कीड़ियां नूं मुखातब करके कहिंदी है, ओ कहिंदी है ओ कीड़ियो
अपनिया अपनिया खुड़ा च वड़ जाओ। अल्लाह दे नबी हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम आउंदे ने पे ते नाल फौज जे नाल बंदे जे ते घोड़े ते ऊंठियां ते जे ते जल्दी जल्दी अल्लाह दे नबी आउंदे ने पे ते तुसी अपनिया अपनिया खुड़ा च वड़ जाओ ते जे तुसी अपनिया अपनिया घरां च ना ना वड़ियां उत्तू जदों सवारियां ने पैर रखने तुसा सारिया मर जाना है। इस वास्ते जल्दी जल्दी अपनिया अपनिया खुड़ा च वड़ जाओ। हुण अल्लाह दे नबी कई मील दूर ने, इधर कीड़ी बोली है फाता बस समादा इमिन कौली हाँ। अल्लाह दे नबी ने उस कीड़ी दी आवाज नू सुन लिया है, कीड़ी दी आवाज नू सुन लिया है। सुन के क्या है, आप मुस्कुराए ने, कीड़ी दी आवाज नू सुन के आप मुस्कुराए ने। हुण मैं इत्थे थोड़ी जी गल होर ये करना चाहना कि कोई भी साइंसदान कोई भी डॉक्टर इस चीज़ नू नहीं दस सकता कि कीड़ी दी जुबान होवे, कीड़ी दी कोई जुबान नहीं, कीड़ी दी कोई जुबान है, कीड़ी दी जुबान है ही कोई नहीं। कीड़ी बोलती किवें, उस कीड़ी ने ऐलान किवें कीता, वो बोली किवें। कीड़ी दे मुँह दे अगे दो वाल होंदे ने, वो वाल एक दूजे ते रगड़दी है, वो जिहड़ी रगड़ पैदा होंदी है वो कीड़ी दी आवाज़ होंदी है। मसला समझो, मसला समझो कि कई मील दूर अल्लाह दी कीड़ी वाल ते वाल रगड़े गल करे, अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम नू पता लग जांदा है। ते जे सुलेमान अलैहि सलाम दे इलम दा ये आलम है ते सुलेमान दे नबी दे आलम दा की आलम होवेगा। नारा तकबीर, उच्ची बोलो, नारा इरसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। वो कीड़ी ने कीड़ी दी वाल रगड़े, वो जिहड़ी रगड़ पैदा होई है वो कीड़ी दी आवाज़ है, कीड़ी दी जुबान कोई नहीं। हुण मेरी गल सुनो, जिंदे मुँह च जुबान ही नहीं ओ बोले ते नबी सुन लैंदा है, ते साडे मुँह च जुबान भी है। आए 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 आए, इस चीज़ नूं समझो ना कि जिस दे मुँह दे अंदर जुबान ही नहीं ओ कलाम करे ओ बोले ते अल्लाह दा नबी सुन लैंदा है। एक नबी दा मकाम है, वारा फा बादा हुमदारा जात, अल्लाह ने हजूर सलातो सलाम नू सारे नबियों तो उच्चा बनाया है, मकाम उच्चा दिता है। मैं थलड़े नबी, नबी उच्चा ही होंदा है, मैं हजूर ते थले जड़े नबी ने ओना नबियों दे विचों एक नबी दी गल कर रहे हां कि जिंदे मुंह च जुबान नहीं ओ बोले ते नबी सुन लैंदा है। जदों असी आखांगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन, दस जिंदे मुंह च जुबान नहीं ओ बोले नबी सुन दे, जदों असी दरूद पढ़ांगे नबी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो अल्लाह दे नबी ने जदों कीड़ी दी आवाज सुनी ना तो नबी दी मौज सी अपनी, वह आने ना फकीरां दी अपनी मौज होंदी है जी, मैं अगे चल के अरज करना फकीरां दी अपनी मौज होंदी है। तो नबी दी अपनी मौज सी, अल्लाह दे नबी हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम मुस्कुराण लग पे ते नाल जिहड़ी फौज सी उन्हें अरज की अल्लाह दे नबी गलती होई कोई नहीं, वह फौज नू की पता जी, वो तो आवाज़ अल्लाह दे नबी ने सुनी है ना, तो फौज नू की पता। फौज ने आख्या अल्लाह दे नबी गल तो कोई किसे कीती कोई नहीं, तो तुम मुस्कुराण लग पे हो। आपने फरमाया जिन्हां दे मुँह जुबान नहीं ना होंदी असी उन्हां दीआं वी गल्लां समझ जाने आ। हाय हाय, वो कीड़ी बोल पई है। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम का जदों लश्कर उस बल के नज़दीक आया, उस खुड के नज़दीक आया जिथे कीड़ियाँ सन, कीड़ियाँ उन्हां लखां करोड़ां अरबां ते खरबां कीड़ियां दे विच्चों अल्लाह दे नबी ने ओ कीड़ी चुकी है जिन्हें गल कीती सी। अल्लाह दा कुरान है, कोई किस्से कहानियां नहीं, लखां खरबां कीड़ियां दे विच्चों, लखां खरबां कीड़ियां दे विच्चों अल्लाह ताला दे नबी ने
ओ कीड़ी चुकी है जिन्हें गल कीती सी त्यो चीड़ी चुक के ना ते अपनी हथेली ते रख के उनो मुखातब कीता ने किवें गल कीती है तू हुण मुफस्सिरीने कराम फरमांदे ने हुण सुन जरा तवज्जो करी कि जिस कीड़ी ते अल्लाह दे नबी दी नज़र पै जाए और जिस कीड़ी नू अल्लाह दा नबी चुक के हथेली ते रख देवे मुफस्सिरीने कराम फरमांदे ने ओ कीड़ी जन्नत जाएगी। आया 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 हालांकि कीड़िया से जन्नत नहीं बनी लेकिन वो कीड़ी उस कीड़ी ने बंदियां दर तुसी दरबारा ते की लैन जांदे हो वलियां कोल की लैन जांदे हो बुजुर्गों कोल की करन जांदे हो मैं कह जिथे अल्लाह दे प्यारियां दी नज़र पै जाए जन हाथ लग जाए अल्लाह फरमांदा कीड़ी नू जन्नत दे देंगा गल ते खत्म नहीं हुई जे अल्लाह दे प्यारे दी निस्बत मछली नाल हो जाए तो रब बंदा मछली नू भी जन्नत अता फरमा देंगा। हजरत यूनस अलैहि सलाम जिस मछली दे पेट दे अंदर रहे ने हजरत यूनस अलैहि सलाम जिस मछली दे पेट दे अंदर रहे ने मछलियां जन्नत इत्थे कोल नहीं ना जाना लेकिन अल्लाह फरमांदा है जिंदी निस्बत मेरे प्यारे नाल हो गई है उन्हों मैं जन्नत दे देनी है। अच्छा कोई इस चीज़ में दस सकता है कि किसी ऊँट भी जन्नत जाना है किसी डाची ऊँटनी किसी जन्नत जाना है नहीं एक ऊँटनी भी जन्नत जाना है वो केड़ी ऊँटनी हजरत सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी हजरत सालेह अलैहि सलाम की ऊँटनी भी जन्नत जाना है। एक गधा है गधा हुण खोते का केड़ा काम है जन्नत पाका दी है ना तो खोते का केड़ा काम है एक गधा है गधा गधा हजूर सलातो सलाम की बारगाह च आया अर्ज की जी मैं जानना तुसी अल्लाह दे आखरी नबी हो बस इन्नी गल की है मैं जानना कि तुसी अल्लाह दे आखरी नबी हो तुहाडे सर ते खत्मे नबूवत दा ताज है उस गधे ने गल की अल्लाह नू गधा पसंद आया अल्लाह ने फरमाया मैं इस गधे नू भी जन्नत अता फरमा देवांगा। इधर कदी कीड़ी जन्नत पई जांदी है कदी मछली जन्नत पई जांदी है कदी कुरान पढ़ते सही तेनू समझ ते आवे कदी मछली जन्नत पई जांदी है कदी ऊँटनी जन्नत पई जांदी है कदी गधा ओ जन्नत पई जांदा है हद हो गई है अल्लाह फरमांदा सिर्फ इन्ना नहीं जाना एक कुत्ते भी जन्नत जाना है। आए आया एक कुत्ते भी जाना कि नहीं जाना अरे मैं गल मिंबर ते बह के गलत कर रहा हूँ कुत्ते का केड़ा काम है जन्नत च भाई कुत्ता भी कोई जन्नती है हुण वेखो जे मछली दी निस्बत अल्लाह दे प्यारे नाल होवे ते मछली जन्नती जे ऊँटनी दी निस्बत अल्लाह दे प्यारे नाल होवे ते ऊँटनी जन्नती जे कीड़ी दी निस्बत अल्लाह दे प्यारे नाल होवे ते कीड़ी भी जन्नती जे गधे दी निस्बत अल्लाह दे नबी नाल अल्लाह दे प्यारे नाल होवे ते गधा भी जन्नती जे कुत्ते दी निस्बत अल्लाह दे प्यारे नाल हो जाए ते कुत्ता भी जन्नती। हले सानू पुछदे हो तुसी दरबारा ते की लैण जांदे हो असी दाता साहब जानदे ही इस वास्ते आ असी गंदे मंदे जीओ जी आ पर चले उन्हां दे दरबार ते आ जिन्हां अल्लाह नू राजी कीता है या अल्लाह इन्हां दे सदके सानू भी जन्नत अता फरमा देवे। नारा तकबीर अल्लाह हू अकबर नारा इहसान या रसूल अल्लाह नारा हैदरी या नबी अल्लाह पाक सलाम फरमाए खुश रहो। कदी इन्हां चीज़ां ते गौर कीता है सा सानू लोग उड़दे ने दरबारा ते की लैण जांदे हो वलियां कोल की लैण जांदे हो बजुर्गों कोल की लैण जांदे हो भई अल्लाह दा कुरान है इनकार करे इस चीज़ का। अच्छा जे मौलवी इनकार करे भी ना करे भी ते जदों रमज़ान आउंदा है ना उदों अल्लाह दा कुरान इनकार नहीं करन दिंदा उदों रमज़ान दे अंदर अल्लाह दा कुरान आंदा ले पढ़ लिखा हुण मैन तरावियां च शुरू कर ते सही वो अल्लाह दा कुरान अलहम्दुलिल्लाह तो शुरू करदा है तो वन्नास दी सीन तो जांदा है तो विच कुत्ते दा भी जिक्र आउंदा है उंज भावें मुनकर हो जाए उंज भावें इनकार कर देवे वलियां दे कुत्ते दा
मैं पिछले जुमे भी अर्ज़ की को साढ़े एक मैं फिर अर्ज़ कर देना नवे बंदे आए होंगे मनाजरे इस्लाम मुफ्ती मुहम्मद अकरम रिजवी साहब शहीद कामोकियां वाले आपने तकरीर करद्या करद्या एक बार जलालत के अंदर आ गए मनाजरे इस्लाम सन तो आपने फरमाया कि ओ मैं वलियां दा कुत्ता मैं वलियां दा कुत्ता साक हाँ मैं गौस पाक दा साक हाँ मैं ताता साहब दा साक हाँ मैं वलियां दा कुत्ता उन्हां बंदियां ने विचों किसे रुका लिखिया कागज से उन्हें आख्या जे तुसी कुत्ते हो ना ते कुत्ता ते मस्जिद च आ नहीं सकता कुत्ते दा केड़ा काम है मस्जिद लिहाजा तुसी मस्जिद चो निकल जाओ ते आपने बड़ा मनाजरे इस्लाम सन तो बड़ा सोहना जवाब दिता आपने फरमाया वो अल्लाह के कुत्ते होंगे जेडे मस्जिद नहीं आ सकते यह तो वलिया के कुत्ते जन्नत भी चलिया जाना है वो अल्लाह के कुत्ते ने ना जेडे मस्जिद नहीं आ सकते यह तो वलिया के कुत्ते जन्नत जाना है तो जेड़ा वलिया का कुत्ता जन्नत जा सकता वलिया का कुत्ता मस्जिद भी आ सकता है क्योंकि जन्नत भी पाक है तो मस्जिद भी पाक है जन्नत भी अल्लाह बनाई तो मस्जिद अल्लाह का घर है कौन रोक सकता है तो अल मुख्तसर इस चीज तक कभी गौर करो जो निस्बत साड़ी दाता साहब ना ले सच्ची निस्बत है हाँ ये ना हो कि ना मैं दाता दा लवा ते दाता दी तालीमात जेड़ियां ने उन्हां दे खिलाफ मैं चलना ना मैं आका मैं मलंगनी दाता दी ते काम मेरे पुत्रा दे बंदे दे पुत्रा ले एक ना होन ना किए मैं नौशा पाक दी मलंगनी ते काम नौशा पाक दे मुरीदा ले एक ना होन वो कोई मलंग नहीं वो कोई मुरीद नहीं असल दे अंदर औलिया बुजुर्गों ने दीन दा मुरीद ओ ही मुरीद होंदा है जिंदे उत्ते मुहम्मदी रंग चढ़िया होंदा है मुहम्मदी रंग चढ़िया होवे जेड़े हजूर दी शरीयत तो दूर होवे हजूर दी शरीयत दे नेड़े ना आया होवे पिछले जुमे मैं यही अर्ज कीता है जेड़ा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत दा बागी होवे दाता साहब अपनी किताब कशफल मजूब के अंदर दर्ज फरमाते ने लिखते ने दाता साहब और मैं ना ये तो फिर इंज हो नहीं सकता काश कदी इंज होंदा ना कि जे अल्लाह ताला उंज अल्लाह चाहे तो कर भी सकता है कि कदी कबरां चो वली निकल सकते ना बाहर जी तो उर्सा उन्हां ते जेड़ियां उन्हां दियां तमाशबीनियां होंदियां ने नाच गाने ते डोल डमके होंदे ने का जे अल्लाह दे वली कबरां तो बाहर आउंदे ना ते उन्हां जन्नत च सोटा लैके नाल आउणा सी तो उन्हां आके ऐसी लिटरेशन करनी सी दसना सी उन्हां इत्थे की है जी दमाल मारदे रहने आ सी नचदे रहने आ मैं गौस पाक दा मुरीद आ नच रहा है मैं शबाज कलंदर दा मुरीद आ नच रहा है जा किसे कता चैलेंज है मेरा जा किसे किताब जो कढ़ के वखा दे के शबाज कलंदर नच दे रहे ने जा हजूर गौस पाक नच दे रहे ने दमाल मार दे लेने कोई किताब कढ़ के लिया मैनू वखा हद हो गई है कितने असी बैठे हाँ बजुर्गों की जड़ी तालीमात ने कितने चलिया गई हजूर गौस पाक कोई नचते नहीं रहे सुन मेरे को मैं की कहन लगा हजूर गौस पाक नचते नहीं रहे हजूर गौस पाक को दमाला नहीं मारते रहे हजूर गौस पाक अल्लाह दी वली ने जिन्ना दी ये शान है कि ईशा दे वजू दे नाल 40 साल फजर की नमाज अदा करते रहे ने ईशा दे वजू दे नाल ईशा दे वजू दे नाल ईशा दे वजू दे नाल 40 साल फजर की नमाज अदा करते रहे ये गौस पाक ने यह दस लोगों हद हो गई है ये महीने पास ग्यारहवीं की खीर एक देग पका के तो मैं जनाब गौस पाक का मुरीद हाँ मुरीद इंज नहीं बनन हुंदा मुरीद बननी तो फिर गौस पाक की जरा जिंदगी ते नजर मार के गौस पाक करते की सन गौस पाक ईशा की नमाज पढ़ के ना सौंदे नहीं सन बल्कि ईशा की नमाज पढ़ के या अल्लाह का कुरान पढ़ते सन या मुस्तफा का फरमान पढ़ते सन नारा तकबीर नारा इरसालत नारा हैदरी नारा गौसिया
एक और फिका का मसला भी सुन लो। फिका का बंदे वजू किया नमाज वास्ते, नमाज वास्ते वजू किया तो इंज बह गया बगैर किसी टेक दे, उन्हों नींद आ गई है, इंज बह गया बगैर किसी टेक दे उन्हों नींद आ गई। फिका का मसला याद रखो, ये वजू किया नमाज वास्ते, नमाज चले टाइम है, वह बैठा है, वह जगराता से या कोई भी वजह उन्हों नींद आ गई है, इंज बह के दो घंटे भी सौ लवे ना तो उनका वजू नहीं त्रुटता। इंज बह के जे अगर किधरे इंज हो गया ना तो वजू उस टाइम ही त्रुट जाना है। समझ लग गई, समझ लग गई। जे किधरे अख मिट्टी तो इंज हो गया किसी थम के नाल किसी दीवार के नाल इंज टेक लग गई एक सैकंड वास्ते भी उस टाइम ही वजू त्रुट गया। इस वास्ते मैं कह रहा हजूर गौस पाक 40 साल इशा दे वजू दे नाल फजर की नमाज अदा की है ते आप सुते नहीं, या अल्लाह दा कुरान पढ़ते रहे ने या मुस्तफा दा फरमान पढ़ते रहे ने। ते शबाज कलंदर जिन्हों का असल नाम याद रखो, जिन्हों का असल नाम सैयद मुहम्मद उस्मान मरवंदी है, सैयद मुहम्मद उस्मान, हाँ दूजिया तो उस्मान ना नहीं ना लेना उन्होंने चुभदा है ना, हाँ उन्हें तो शबाज कलंदर ही आखना है ना, उन्होंने जूले लाल ही आखना है। मैं शबाज कलंदर का मुनकर नहीं, मैं जूले लाल का मुनकर नहीं, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है आज भी शबाज कलंदर के दरबार से जाकर वेखो जे उतनी चुगाट से आपका नाम सैयद मुहम्मद उस्मान मरवंदी ना हो तो मैं झूठा। तो जे अज भी उतली चुगाट तो ना उन्हों का सैयद मुहम्मद उस्मान मरवंदी लिखिया हो ते फिर मनन वाले ते ना उस्मान मरवंदी लेना चाहिए ना। ये जूले लाल ते शबाज कलंदर ते दमादम मस्त कलंदर ते ते दूजे ना रखे ने सुनिया दे ना नहीं अहले सुन्नत व जमात दी तलमी। और वेखो अच्छा उन्हों का ना की है सैयद मुहम्मद उस्मान, अच्छा ये ना रखता कौन है, इस चीज न समझो यार, ये ना रखता कौन है। कभी जदों कोई बच्चा पैदा होवे उनका ना कौन रखता है, या उनका ना प्यो रखता है या उनका ना मां रखती है, तो उस्मान मरवंदी का ना सरकार का ना या प्यो रखे है तो या मां रखे है, ये ना पिया दसद उन्होंने वालदेन भी सुनी सन। कदी इन्ना दे नावां दे विच मैं हसन ना नहीं वेखिया, है ही नहीं, सच्ची गल है। कदी हुसैन ना नहीं वेखिया, कदी अब्बास ना नहीं वेखिया, कदी कासम ना नहीं वेखिया, कदी अली अकबर ना नहीं वेखिया, कदी जैनुल आबिदीन ना नहीं वेखिया, क्योंकि मुनकर ने ना वो क्यों रखन। ते दूजे जेड़े अगू पिछू छिल देंदे अपने आप नो जी, उन्हें कदी ना अबू बकर नहीं रखिया, कदी उमर नहीं रखिया, कदी उस्मान नहीं रखिया। शबाज कलंदर जे इन्नी प्यारा लगती तो फिर मान लेना शबाज कलंदर जिन्ना ने ना लिखिया है तो अहले सुन्नत ही सड़ना, वो ना प्या दसदा। मैं ये मौजू नहीं मेरा, मैं अगे जाना चाहना, हालांकि मौजू होवे ना तो मैं इतने होर एक गल कर दिया तो बड़ी डाढ़ी गल कर दिया, गल भी यही दी करा कि मैं वेखो ना मिमरे रसूल इतने बंदा झूठ नहीं बोल सकता जी, झूठ तो उंजी लानतुल्लाह इलल काज़िबीन, झूठिया ते उंजी रब की लानत है, जेड़ा मिम्बर ते बह के झूठ बोले वह तो वड्डा लानती है, मिम्बर ते बह तो गल तो सच्ची है ना। तो उस्मान मरवंदी आप का ना सुन, आप को नचते नहीं रहे, तमाला नहीं मारते रहे, सुन मैं की कह लगा, आपका नाम है सैयद मुहम्मद उस्मान मरवंदी, आपके बाप का नाम है सैयद कबीरुद्दीन मरवंदी, आप कुरान के हाफज ने, कुरान के आलिम ने, हदीसा के आलम ने, आप एक जगह
जेड़ा बहावल हक जखरिया मुल्तानी आपने मदरसा बनाया सी सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी उस मदरसे दे अंदर अल्लाह दे कुरान दी तबलीग करदे रहे ने हजूर दे फरमान दी तबलीग करदे रहे ने कई हाफजा दे उस्ताद दे नाम है कई कारियां दे उस्ताद दे नाम है हद हो गई है ए पीर सारी जिंदगी या अल्लाह दा कुरान पढ़न या मुस्तफा दा फरमान पढ़न इन्हां दा मुरीद सच्चा होवे ते ना कदी कुरान खोलिया होवे ना मुस्तफा दा फरमान खोलिया होवे ते आखे मैं सच्चा मुरीद हाँ मैं सच्चा आशिक हाँ ते कुरान नू भुल गया होवे कुरान नू कदी वेख ही ना होवे कदी हजूर दे फरमान अल भी ना आया होवे ओ सच्चा मुरीद नहीं हुंदा सच्चा मुरीद वह होंदा जेड़ा पीरां दे नक्शे कदम ते लग के या अल्लाह दे कुरान दी तलावत करदा होवे या मुस्तफा दे फरमान दी तलावत करदा होवे तो बात बड़ी दूर निकल गई। मैं अर्ज कर रहा सां अल्लाह दे नबी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम दी कचहरी लगती सी कचहरी जिन आउंदे सन जानवर आउंदे सन परिंदे आउंदे सन इंसान आउंदे सन भूत आउंदे सन परियां आउंदियां सन जितनी मखलूक है ना सारी आउंदी सी ते आके अपने मसले दसदी सी सन आ परेशानी है सन आ परेशानी है सन आ परेशानी है ते हजरत सुलेमान अलैहि सलाम उन्हां दियां परेशानियां हल करदे सन वो सारे पर मुशरक हो गए उन्हें तो सारे शिरक किया जड़ी परेशानी हुई तो नबी को आते रहे ना सुलेमान अलैहि सलाम को आते रहे ना भाई जिन्हां नूं परेशानी बने तो सुलेमान दे बूहे ते इंसानां नूं परेशानी बने तो सुलेमान अलैहि सलाम दे बूहे ते जानवरां नूं परेशानी बने तो सुलेमान अलैहि सलाम दे बूहे ते कचहरी जो लांदे सन रोजाना तो सारे मुशरक हो गए क्योंकि मुश्किलां हल करन वाला ते अल्लाह है ते सारी मखलूक सुलेमान अलैहि सलाम कोल की लैण आउंदी सी ये अकीदा बातल है ये झूठा अकीदा है साडा अकीदा है वे कि मुश्किल कुशा हकीकी अल्लाह है ते अल्लाह ने अपने बंदियां विचों भी कई मुश्किल कुशा बनाए हुए ने ए साडा अकीदा ही अल्लाह ने अपने प्यार अच्छा मैं इतने मुश्किल कुशा तो थोड़ी जी बंदा अन्ना हो जाए मुश्किल बन गई कि नहीं बनी अन्ना हो गया अगे सारा कुछ वेंदा सी हुण दिसदे ही कोई नहीं मुश्किल बन गई तो जे अल्लाह दे नबी हजरत यकूब अलैहि सलाम रोंदे रोंदे अखां दी बनाई चली जाए तो मुश्किल तो बन गई ना अल्लाह दे नबी ने खुद अपने आस्ते दुआ कर दे तो उवें ठीक हो जांदे अल्लाह दे नबी नूं केड़ा टेल लगता है अल्लाह दे नबी ते दुआ करनी है तो उवें कबूल हो जानी है तो उवें कम बन जाना। यकूब अलैहि सलाम किन्ने साल नबी ना रहे अखा दी बनाई चली गई फिर यकूब अलैहि सलाम दा मनण वाला यूसुफ अलैहि सलाम कोल गया तो यूसुफ अलैहि सलाम ने आखा मेरे अब्बे दा की हाल है हजूर अबे री है तो ठीक ने बहरा लो वडेरी उम्र हो गई है तो तुहाडी जुदाई च रो 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 के ना यह जड़ी अखा दे अगे सफेदी आ जाती है ना वह आ गई तो दिसदा कोई नहीं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने ना अपनी कमीज उतारी इंज करके ना अपना बटन खोल के इंज जग्गा उतारिया कमीज उतारी तो ठप के फरमाया ए लै जा ते मेरे बाप नू आखी ए कमीज अखा ते लाओ ते अखा ठीक हो जाणगियां। आए आए हुण है अल्लाह दा कुरान है वाह वाह नारे रिसालत नारे हैदरी नारे औलिया जिंदाबाद नारे औलिया जिंदाबाद हुण अल्लाह दा कुरान है ना मैं अपने कोलों तो गल नहीं ना कर सकता। अल्लाह दे नबी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कमीज उतार के आपने फरमाया ए लै जा ते मेरे बाप नू आखिया जे अखा ते लाओ जिवें ए कमीज मेरे बाप दी अखा ते लगेगी अखा ठीक हो जाणगियां। हुण शफा कौन दिंदा है अख मेरी खराब हो जाए मैं डॉक्टर अल भजना कि नहीं भजना अच्छा मैं डॉक्टर अल शफा लैन जाना है शफा जी जो रब दिंदा तो मैं घर बह के आखा या अल्लाह खराब हो गई शफा दे
रब आंदा है जे शवा नहीं लवनी पहले डॉक्टर कोल जाएगा ओ कोई टीका गोली देवेगा मैं उतू करम करांगा ते फिर तेनू शफा मिल जाएगी। ए ते अहले सुन्नत दा कीदा है ओए असी वलियां फकीरां दरवेशां दे कोल जांदे ही इस वास्ते आ असी अन्ने आ नजर कोई नहीं आंदा तुसी करम करोगे अल्लाह ने तुहानू डॉक्टर बना के भेजिया होया है। इंसान दो चीजां दा मुरक्कब है एक जिसम एक रूह। जिन्नी देर तक ये दो चीज़ा कठियां ना होन ये मौजू बड़ा लम्मा है ये मैं फिर किसी दिन बयान कर सा लेकिन टच दे देना थोड़ा जा तुहानू ये दोवें चीज़ा जो रूह ते जिसम कठियां ना होन तो बंदा नहीं बनता। जिसम दी गजा हो रे रूह दी गजा हो रे जिसम होर जगह तू आया है रूह होर जगह तू आई है जिसम मिट्टी चु आया है रूह अल्लाह दे नूर चु आई है। ए नूर है कदी ये चीज़ से गौर कीता जे जब रूह कबज़ होंदी है जिसम कित्थे होंदा है थल्ले ते रूह रूह जिथ आई है उत्थे चली जाती है जिसम जिथ आया मैं टच दे रहा हूं सिर्फ मौजू बड़ा लम्मा है। हुण जिसम बीमार होवे डॉक्टर कोल जाना पवेगा ढेड च पीड़ हो पई डॉक्टर कोल बजो जी सर पीड़ है डॉक्टर को बजो जी शुगर हो गई डॉक्टर को बजो जी जदो जिसम दे अंदर कोई बीमारी आ गई तो डॉक्टर कोल जाना पवेगा शफा अल्लाह ही देंदा है लेकिन जाना डॉक्टर कोल पवेगा ते जदो रूह बीमार हो जाएगी उदो अल्लाह दे वली कोल जाना पवेगा। रूह बीमार होवे ते किसे डॉक्टर कोल जा सकदे हो और डॉक्टर नु समझ इस आसे बंदे आंदे ने अक्सर मेरे कोल आंदे ना दम शम कराण ते आंदे ने असी टेस्ट कराए ने टेस्ट साफ आए ने बिल्कुल लेकिन मसला पता नहीं की है समझ नहीं आ रही मैं उन्होंने तुहाडी रूह बीमार है हुण डॉक्टर मशीना ला सकदा है उन्होंने जिसम की बीमारी का पता लग सकता है लेकिन रूह की बीमारी का पता लग सकता नहीं। रूह की बीमारी का जदों इलाज करवाना पवेगा उदो किसी अल्लाह के वली को जाना पवेगा। हजूर सलातो सलाम की हदीस से कुदसी है जो बंदा अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का कुरब हासिल करता है अल्लाह फरमाता मैं उसकी अख बन जाना मैं उसकी जुबान बन जाना मैं उसके हाथ बन जाना मैं उसके पैर बन जाना जदों इस बंदे को जाके अल्लाह अल्लाह आले को जाके दसी दा ना सन आ परेशानी है वो अपनी नजरे नाल वेखदे ने इंदे विच बीमारी केड़ी है नजर नाल वेंदे ने ये बीमारी केड़ी है रूह की बीमारी है रूह बीमार हो चुकी है मुर्दा हो चुकी है। हजूर की हदीस हजूर ने फरमाया जदों बंदा गुनाह करता है उसके दिल से एक काला टिमका लग जाता है दूसरा गुनाह करद उनके दिल से दूसरा टिमका लग जाता है तीसरा गुनाह करद उसके दिल से तीसरा टिमका लग जाता है हद तक बंदा गुनाह करता रहा करता रहा करता रहा उसका दिल काला स्याह हो जाता है जो काला स्याह हो जाता है ना उदो फिर नेकी करन ते दिल नहीं करता जो दिल काला हो जाए ना उदो नमाज पढ़न ते दिल नहीं करता जो दिल काला हो जाए ना उदो रोज़ा रखन ते दिल नहीं करता जो दिल काला हो जाए उदो इबादत करन ते दिल नहीं करता उदो कुरान पढ़न ते दिल नहीं करता उदो वालदैन का अदब करन ते दिल नहीं करता जे दिल बीमार है तो बंदा बीमार है तो जे दिल सही है ना ए पूरे जिसम के अंदर हजूर ने फरमाया अजी हजूर की हदीस हजूर ने फरमाया तुहाडे जिसम के अंदर एक गोश्त का लोथड़ है एक गोश्त का हिस्सा है अगर वो ठीक है तो बंदा ठीक है जे वो गोश्त का एक जेड़ा है ना उस मुराद दिल वो ठीक है तो बंदा ठीक है जे वो बीमार है फी कलूब हिम मारा दुन उनके दिलों में मर्ज दिलों में बीमारी दिल ठीक तो बंदा ठीक दिल बीमार तो बंदा बीमार जे बंदे ठीक होना ना तो उन्होंने चाहिए पहले दिल ठीक करे
सहाबा इकराम ने अर्ज की थी, यार सुल्ला दिल किवें ठीक होवेगा? हजूर ने फरमाया बंदा अल्लाह का जिक्र करे दिल आप ही ठीक हो जाएगा। हुण जदों दिल ठीक हो गया फिर बुजुर्ग फरमाते ने सुन हुण ये दिल बीमार क्यों हुंदा है, दिल बीमार किवें हुंदा है, क्यों हुंदा है? बुजुर्ग फरमाते ने कि यह मुलक है ना, मुलक उनका एक बादशाह है, बादशाह जो हुक्म करेगा राया उवें मनेगी। बादशाह कुर्सी तह के आके मार्केटा बंद कर दियो कोरोना आ गया, मार्केटा तो बंद। बादशाह बह के आके वे स्कूल बंद कर दियो, स्कूल बंद। बादशाह बह के आके वे मदरसे बंद कर दियो, मदरसे बंद। बादशाह जो हुक्म देवेगा इंजी है। एक मुलक का बादशाह है ना, जो हुक्म देवेगा मनना पेगा। बुजुर्ग फरमाते ने सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नखना तक यह जेड़ा तेरा मुलक है ना, इंदा बादशाह तेरा दिल है। जिवें दुनियादार एक मुलक का बादशाह है, वह बादशाह जो हुक्म देता है बंदा उवें करता है। सिर दे वालां तो लैके पैरां दे नखना तक तेरे वजूद का जेड़ा मुलक है, इस वजूद के मुलक का बादशाह तेरा दिल है। हुण दिल जो आखेगा बंदा करेगा, दिल जो आखेगा बंदा वेखेगा, दिल जो आखेगा बंदा फड़ेगा, दिल जो आखेगा बंदा बोलेगा, दिल जो आखेगा बंदा खावेगा, दिल जो आखेगा बंदा चल के जावेगा। मिसाल देन लगा ताकि मसला याद हो जाए। एक बंदा आया, दूजे बंदे बैठा सी मेरे कोल, बंदा उत्तू आया, उस बंदे ने मुंह हटा लिया। मैं क्या की होया? अंदर वेखण ते दिल ही नहीं करता, वेखण ते दिल ही नहीं करता। एक चीज पक्की अग्गी आई खाण लगे, वह आंदा मैं नहीं खानी। मैं क्या क्यों नहीं खानी? अंदर दिल नहीं मनता। एक चीज पीण वाली आई, मैं क्या पीवीए? कहना मैं नहीं पीनी। मैं क्या क्यों नहीं पीनी? अंदर दिल नहीं मनता। मैं क्या आज सैर कर चलिए? कहना मैं नहीं जाना। मैं क्या क्यों नहीं जाना? कहना दिल नहीं मनता। पता लग गया दिल जो कहते बंदा करता है, दिल जो कहते बंदा बोलता है, दिल जो कहते बंदा खाता है, दिल जो कहते बंदा पीता है। जे दिल दे दिता ना मदीने वाले नो, फिर खावेगा ओ जो मदीने वाला चाहेगा, खावेगा ओ जो मदीने वाला चाहेगा, पीवेगा ओ जो मदीने वाला चाहेगा, बोलेगा ओ जो मदीने वाला चाहेगा, फड़ेगा ओ जो मदीने वाला चाहेगा, वेखेगा ओ जो मदीने वाला चाहेगा, टुर के जाएगा उधर जिधर मदीने वाला चाहेगा। इस वास्ते दिल मसेरा देने वास्ते नहीं। जी जी मैं बिल्कुल सच्ची कह रहा, ये दिल मसेरा देने वास्ते, ये दिल मुलेरा देने वास्ते, ये दिल पतरेरा देने वास्ते, ये दिल रब इन्हां ने देने वास्ते बनाया ही नहीं। किधर जा रहे हैं? कदी मसेर हल कुछ समझ लग रही जे, कदी मुलेरा हल ते कदी पतरेरा हल ते कदी बारो बार जी नहीं। ये दिल जड़ा है ना, दिल मदीने वाले दे ताबे कर। दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो। बुजुर्ग फरमांदे ने जो तेरा दिल आखदा है ना मदीने वाला वो ही आखदा है मदीने। ये दिल जड़ा ना दिल कदी मदीने वाले दे ताबे कर, फिर तू सारी सारी रात मोबाइल कान नहीं लावेगा। अगर तेनों जाग आवेगी या तू अल्लाह का जिक्र करता होवेगा या मुस्तफा का जिक्र करता होवेगा। ये दिल जदों दे देना ना तू मदीने वाले नू, फिर तेरा कदम सैलमे वाल नहीं चल के जाएगा। फिर तेरा कदम जदों उठेगा या अल्लाह दे घर वाल उठेगा या अल्लाह दे किसी वली दे दर वाल उठेगा। ए गल करना ना बंदा बोलता है बोलता है, ए जुबान हजूर की भी हदीस है। हजूर ने फरमाया जिन्हें जुबान नू संभाल लिया, हजूर ने फरमाया जुबान की जमानत तू दे दे जन्नत की जमानत मेरे को ले ला। दो टोक गल हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुबान की
ये जुबान इन्नी कोई शैतान चीज है, अल्लाह ताला किथे रखी है मुँह च, ते इंदे साइडां ते पहरेदार किन्ने खड़े किते ने, बत्ती। ये जुबान की हिफाजत कर रहे ने, ते दंद जुबान नू एक वारी मुखातब होकर कहिंदे ने कि तू बाहर ना आवया कर, जो तू बाहर आनी है ना वो तो गल करके तू ते अंदर टुर जानी है तो फिर साडा खासमा निकल जाता है। वो जहरी बात है जिंदे खिलाफ गल करनी है, वो जुबान से गल करके बाहर आई, गल की ते अंदर टुर गई, तो जिंदे खिलाफ गल हुई जो उस आ जाना मड़बत्ती है जो एक भी नहीं रहने। ए जुबान नू कंट्रोल करो। मैं आखिरी हज़ूर अलैहिस्सलाम दी हदीस साडे तक पहुँचाना चाहना। हज़ूर ने फरमाया जिसने एक झूठ बोलिया, एक झूठ बोलिया, उस तू रहमत दा फरिश्ता 2 मील तू टुर गया। जुबान ही झूठ बोलती है ना, झूठ बोलिया रहमत दा फरिश्ता 2 मील दूर टुर गया। बंदा जरा अपने जरा इंज करके ना हर बंदा वेखे कि सुबह दे सूरज चढ़न तक तू लैके राती देर तक मैं किन्ने को झूठ बोलना, ते फिर रहमत दा फरिश्ता किन्ने मील दूर जांदा है। फिर बंदा आखदा परेशानियां खाड़ा नहीं छड़दियां, औलाद आखे नहीं लगती, रिजक है बरकत कोई नहीं, जो रहमत ही नहीं तो बरकत मुड़ के दू आवे। और रहमत नाई की नहीं गल कर रहा, अल्लाह की रहमत की गल कर रहा। वो तो आखो रहमत नाई नहीं है, वह हो ना हो, अल्लाह की रहमत की गल कर रहा। बंद ने समझ भी अमकीर कर देते, इस चीज़ को समझो मैं जो बयान कर रहा। फिर समझो जो बंदा एक बारी झूठ बोलता है, एक बारी हजूर की हदीस है, फरमान है सरकार दा, हजूर ने फरमा बंदा झूठ बोलता है रहमत दा फरिश्ता 2 मील दूर टुर जाता है। हुण सुबह तो लैके तो शाम तक झूठ वेखो तो रहमत दा फरिश्ता तुसीं वेखो किन्ने मील साढ़े तो दूर टुर जाता है। जो इन्ने मील दूर जाता है फिर आउण ते दिल ते लगती है ना, मुड़ तो टाइम तो लगता है ना वापस आउण ते। इस वास्ते सानू चाहिए कि असी इस जुबान तो असी झूठ ना बोलीए, किसी नू गाल ना कढ़ीए, ए फोन करके ना ते अगो हैलो ना करिए। असी मुसलमान हाँ तो मुसलमाना के तरीके असी सपना भी है, फोन किया ना किसी ने उस कहो अस्सलामु अलैकुम, वो आखे वालेकुम सलाम, तेन भी फायदा होवे ते अगले नू भी फायदा होवे। जो तू उन्हें हैलो अगू आंदा हैलो, ना तेन कुछ लभ्या ना उन्हें कुछ लभ्या। जी को समय लगी हूँ इस चीज़ का ऐद कर दौ, ये तो सौखा काम है ना, चलो इतों ही हूँ असं शरार करने इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के अंदर यानी कि जड़िया तब्दीलियां आदियां रहनगिया, मुल्क के अंदर तब्दीली आवे या ना आवे, इतने तब्दीली हूँ आनी चाहिए है। जो फोन कर सो अस्सलामु अलैकुम, तो जो राज किसी मिलते हो ना जाद्या जाद्या रस्ते के अंदर उदो भी आँदे हो, तुम आँदे हो की हाल है जी, आंदा ठीक है तेरा की हाल है, और मैं ठीक हाँ, वो उन्हें की दिते तो उनके कोलों की ले आई, हाल चाल तो चलो चंगी गल है पूछ लिया, लेकिन दिता की है उन्होंने, नेकियां कुछ दितियां नहीं, कुछ लिया नहीं, नहीं। तो जे उसनु आखोगे ना पहले अस्सलामु अलैकुम, वो आखेगा वालेकुम सलाम, फिर आखोगे की हाल है, वो आखेगा ठीक हाँ तेरा की हाल है, मैं भी ठीक हाँ। हूँ वेखो उन्होंने किनिया नेकियां मिल गई ने, इस चीज़ से थोड़ा जहा असी अपने आप से भी थोड़ा लियावी ना तब्दीली लियावी असी अपने अंदर, अल्लाह साड़ी अमल हो गल तो फिर उत्थे रह गई। ओ मलका बल्कीज तख्त वाली गल सी ते सुलेमान दी कचहरी वाली, इंशाल्लाह आइंदे जुमे मैं कोशिश कर सा कि वह बयान करा, अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।